हेलो दोस्तों, एक और बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और एक और बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी की मोस्ट डिमांडेड वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि थॉमसन की ओथ प्रो स्मार्ट टीवी, कोडैक की सीए स्मार्ट टीवी और व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी, इन तीनों स्मार्ट टीवीज में हमारे लिए एग्जैक्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा निकल कर आता है। तो अगर आप भी इन तीनों टीवीज को लेकर कंफ्यूज थे और आप एक अच्छी बजट में 4K टीवी लेना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम तीनों टीवी को कंपेयर करने ही वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको भाई कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनके बेसिस पर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इन तीनों में से कौन से टीवी बेस्ट निकल कर आती है। और अगर ये वीडियो आगे जाकर आप सभी को जरा सा भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारी टेक्स्टार्ट फैमिली से जुड़ सकते हो। और चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप भी इस समय कोई नई बजट 4K स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो तो आपके पास भी तीन ऑप्शन जरूर आएंगे, कोडैक की सीए स्मार्ट टीवी, व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी और थॉमसन की ओथ प्रो स्मार्ट टीवी। ये तीनों स्मार्ट टीवी 2020 में लॉन्च किए गए, सभी लेटेस्ट फीचर्स का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। और खास बात यह है कि ये तीनों टीवीज बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवीज है। अब चलिए यहाँ पर हम तीनों टीवीज को कंपेयर करते हैं और मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इन टीवीज में आपको क्या कुछ प्लस पॉइंट देखने मिलता है और किसमें आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने मिलते हैं। और इसी के साथ इन तीनों टीवीज के डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल स्पेसिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन से टीवी में आपको क्या कुछ देखने मिलता है। और इसी के साथ मैं इस इमेज की जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर डाउनलोड करके भी रेफर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टीवीज की डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी की। तो जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये तीनों टीवीज अल्ट्रा एचडी 4K वीडियो सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ इन तीनों टीवीज में आपको डॉल्बी विजन डिकोडिंग टेक्नोलॉजी, HDR10 एंड HLG का सपोर्ट मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में इन टीवीज के पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, थॉमसन की टीवी में आपको IPS पैनल मिल जाता है, व्यू और कोडैक की टीवी में आपको VA पैनल मिल जाता है और इन तीनों टीवीज में आपको डीलेट बैकलाइटिंग दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रोटिप देना चाहूंगा, अगर आप अपने टीवी को हॉल में यूज करना चाहते हो और आपकी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है और आपके फैमिली मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर टीवी को एंजॉय करते हैं तो उस केस में आप सभी को IPS पैनल की टीवी को प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि IPS पैनल में आपको व्यू एंगल्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप टीवी को बहुत ही एक्सट्रीम एंगल से भी एंजॉय करोगे तो उस दौरान भी आपकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी। और वही अगर हम बात करें VA पैनल की, तो VA पैनल भी वंस अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। यहां पर आपको जो ब्लैक कलर्स हैं वो काफी ज्यादा डीप देखने मिलते हैं, ऑल्दो टीवी की ब्राइटनेस होती है वो यहां पर काफी अच्छी देखने मिलती है। और स्पेशली अगर आप अपने टीवी को बेडरूम में यूज करना चाहते हो या फिर अगर आप अपने टीवी को हॉल में भी यूज करना चाहते हो और आप अपने टीवी को मोस्टली फ्रंट से ही एंजॉय करते हो, ज्यादा एक्सट्रीम एंगल्स पर टीवी को एंजॉय नहीं करते हो, तो उस केस में भी VA पैनल जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। अब यहां पर मैंने आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, तो यहां पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैनल को चूज करना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो व्यू की टीवी में आपको सिर्फ 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है और बात करें यहां पर हम कोडैक और थॉमसन की टीवी में तो यहां पर आपको 500 से लेकर 550 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी के साथ में कोडैक और थॉमसन की टीवी में आपको 5:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिल रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ब्राइटनेस जो है वो थॉमसन एंड कोडैक की टीवी में काफी अच्छी मिल रही है। और वही अगर हम बात करें व्यू अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी की, तो यहां पर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, जो कि ठीक ठाक से आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करा देगी। इसी के साथ में यहां पर अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट रेशो की, तो यहां पर आपको 10:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिल रहा है। अब इसका मतलब यह है दोस्तों कि भले ही व्यू की टीवी में ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी कम देखने मिलती है, बट व्यू की टीवी में आपको जो ब्लैक्स हैं वो काफी अच्छे देखने मिलेंगे। आप डार्क सीन्स अगर देखते हो अपने टीवी में तो यहां पर व्यू के केस में आपको काफी अच्छे ब्लैक कलर्स देखने मिलने वाले हैं। ऑल जो यहां पर ब्राइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको व्यू की टीवी में इन टीवी से बेहतर मिलने वाला है। तो यहां पर भले ही कोडैक और थॉमसन में अच्छी ब्राइटनेस दी गई है, बट जो कलर्स हैं, जो ब्लैक और व्हाइट कलर्स हैं, वो आपको व्यू की टीवी में बेटर मिलने वाले हैं। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोडैक और थॉमसन की टीवी में आपको MEMC टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट दिया गया है। वंस अगेन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर आप एक एक्शन मूवी के फैन हो, आप मोस्टली एक्शन मूवीज देखते हो या फिर स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो, तो उस समय MEMC टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी हेल्पफुल निकल कर आती है। ये मोशन ब्लर को रिड्यूस कर देती है, यानी कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो जो कि 30 FPS की है, तो यहाँ पर उसकी फ्रेम रेट को एक्सपांड करके 60 Hz तक कर देगा, ताकि
जो है आपको मोशन ब्रेक की प्रॉब्लम ना देखने मिले। तो आपको कोडाक और थॉमसन की टीम में ये फीचर मिल जाता है, बट व्यू की टीम में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया है। इसके बदले में व्यू की टीम में आपको जो है क्रिकेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी जो मोशन ब्रेक को रिड्यूस करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो तो वहाँ पर ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, लेकिन MEMC टेक्नोलॉजी जो एक हार्डवेयर फीचर एक चिप लगाया जाता है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव निकल कर आता है अगर हम कंपेयर करें व्यू के क्रिकेट मोड से। और इसी के साथ यहाँ पर मैं और एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारी 4K टीवी में SD चैनल्स को भी प्ले करना है, तो उस केस में आपके लिए व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको VOD अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है, जो कि डेडिकेटेडली डेवलप किया गया है SD चैनल या फिर लो रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को अपस्केल करने के लिए। तो अगर आपके पास भी SD सेटअप बॉक्स है, आप लो रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को अपने टीवी में प्ले करना चाहते हो, तो उस केस में व्यू की टीवी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है। और वही अगर हम बात करें कोडाक और थॉमसन की, तो इन टीवीज में भी आप SD चैनल्स प्ले कर सकते हो, बट यहां पर जो क्वालिटी मिलेगी वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको इन टीवीज में सेटअप बॉक्स से कंटेंट प्ले करने हैं तो आपको अपग्रेड करना होगा HD सेटअप बॉक्स पर। तो यहां पर आपको व्यू की टीवी में एक एडवांटेज भी मिल जाता है। तो जैसे कि यहां पर आपने देखा, यहां पर कोडाक और थॉमसन की स्मार्ट टीवीज में ब्राइटनेस थोड़ी सी अच्छी मिल रही है, MEMC टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें व्यू टीवी की, तो व्यू टीवी में आपको भले ही ब्राइटनेस थोड़ी सी कम मिल रही है, बट यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो काफी अच्छा मिल रहा है। और इसी के साथ अगर आप एक सेटअप बॉक्स यूजर हो तो भी यहां पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं इन तीनों टीवीज के साउंड डिपार्टमेंट की। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कोडाक टीवी की। तो कोडाक टीवी में आपको जितने भी वेरिएंट्स मिलते हैं, इन सभी वेरिएंट्स में आपको 30 वॉट्स के डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। थॉमसन टीवी में भी आपको जितने भी वेरिएंट्स मिलते हैं, यहां पर सभी में आपको 30 वॉट्स के डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। बात करें यहां पर हम व्यू अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी की, तो यहां पर आपको जो 43 इंच वेरिएंट मिलता है, इसमें आपको सिर्फ 24 वॉट के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, बाकी के जो हायर वेरिएंट है वहां पर आपको 30 वॉट्स के स्पीकर्स दिए गए हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 43 इंच वेरिएंट की, तो व्यू के केस में यहां पर आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 30 वॉट की नहीं मिलेगी, सिर्फ 24 वॉट की मिलने वाली है। इसके अलावा इन तीनों टीवीज में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस डिकोडिंग टेक्नोलॉजी एंड DTS ट्रू सराउंड का सपोर्ट दिया गया है। तो साउंड क्वालिटी जो होगी वो ऑलमोस्ट सभी टीवीज में जो है सेम सी रहेगी, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलने वाला है। सभी टीवीज में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो आउटपुट है वो आपको सभी टीवीज में थोड़ा ऊपर नीचे देखने मिलेगी, बट ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं टीवीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्रोसेसर एंड स्टोरेज यूनिट। तो कोडाक और थॉमसन की टीवीज में आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek का 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स CA53 पर, और इसकी क्लॉक स्पीड है 1 GHz। इसी के साथ में यहाँ पर इन दोनों टीवीज में आपको माली का 450MP3 GPU भी देखने मिल जाता है। वही अगर हम बात करें व्यू टीवी की, तो यहाँ पर आपको 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, यहां पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है 1.3 GHz की, और इसी के साथ इस टीवी में आपको माली का 470MP3 GPU दिया गया है। तो यहां पर अगर इन ऑल कंक्लूजन की बात की जाए, तो यहां पर जो प्रोसेसर आपको व्यू की टीवी में मिलता है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर मिलता है। इसी के साथ में व्यू की टीवी में आपको जो ग्राफिक प्रोसेसर दिया गया है वो भी इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस मिलता है। तो इन ऑल जो परफॉर्मेंस है वो व्यू की टीवी में आपको थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपको कोडाक और थॉमसन की टीवी में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है एंड 1.75 GB की रैम मिल जाती है। वही अगर हम बात करें व्यू की टीवी की, तो यहां पर आपको 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो यहां पर अगर हम बात करें कंक्लूजन की, अगर आप एक एंड्रॉइड टीवी ले रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज होनी ही चाहिए। और वही अगर हम बात करें कोडाक और थॉमसन टीवी की, तो यहां पर रैम जो है वो ओके सी है, बट जो इंटरनल स्टोरेज है यहां पर सिर्फ 8 GB की मिलती है, जिसमें से लगभग आपको 4-5 GB ही फ्री मिलने वाली है। तो फ्यूचर में अगर आप अपनी टीवी में और भी एप्स इंस्टॉल करोगे, गेम्स इंस्टॉल करोगे, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी ये टीवी जो है आपको प्रॉब्लम दे, हैंग भी हो सकती है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो व्यू जो है इस केस में काफी अच्छा निकल कर आता है। अब यहां पर अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये तीनों टीवीज एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है, सभी लेटेस्ट एप्स का सपोर्ट मिल जाता है। तीनों टीवीज में आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल जाता है। इसी के साथ में कोडाक और थॉमसन टीवी में आपको एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट दिया गया है। तो अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस है तो आप जो है अपने कोडाक और थॉमसन टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला फीचर यहां पर आपको व्यू की टीवी में नहीं मिलता है। अब ये तो हो गई बात ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके अलावा आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स आपको सभी टीवीज में मिल जाते हैं, गूगल
असिस्टेंट से लेकर आपको जो हॉटकीज मिलते हैं, ये सभी फीचर्स आपको इन तीनों टीवीज में मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कनेक्टिविटी। तो इन तीनों टीवीज में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो कोडैक और थॉमसन की टीवी मिलती है, इन टीवीज में आपको सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, जो कि बेस्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पर। और वहीं अगर हम बात करें व्यू की, तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, जिसके थ्रू आपकी कनेक्शन स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। और अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट एन्जॉय करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है, और आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है व्यू की टीवी में, बिकॉज यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको सभी टीवीज में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम स्मार्ट टीवी ले रहे तो हम उसमें मोस्टली ऑनलाइन कंटेंट को ही एन्जॉय करते हैं। तो अगर आपकी टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट रहेगा, तो आपका जो कनेक्शन स्पीड है वो प्रॉपरली स्टेबल रहेगा, और आप जो है लैग फ्री एक्सपीरियंस के साथ में जो है स्ट्रीमिंग है वो एन्जॉय कर पाओगे। और हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 2017 में ही आ चुकी थी, बट पता नहीं अभी बहुत सारी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, वो अभी भी सिंगल बैंड पे ही टिके हुए हैं। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो इन तीनों टीवीज में आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको HDMI ARC और HDMI CEC का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपने टीवी में होम थिएटर कनेक्ट करना चाहते हो या फिर साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हो HDMI ARC के थ्रू, तो ये ऑप्शन भी आपको इन तीनों टीवीज में मिल जाता है। इसके अलावा इन तीनों टीवीज में सारे बेसिक पोर्ट्स मिल जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थे इन टीवीज के क्विक कंपैरिजन, और यहाँ पर आपने देख लिया कि किन टीवीज में आपको क्या कुछ अच्छा देखने मिलता है और किस टीवी में आपको क्या कुछ अच्छा नहीं देखने मिलता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, ये कंक्लूजन यहां पर क्या निकल कर आता है। तो जैसे कि यहां पर आपने देखा, कोडैक और थॉमसन की स्मार्ट टीवीज के जो स्पेसिफिकेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों टीवीज में आपको सब कुछ यहां पर सेम देखने मिलता है, इवन जो दोनों टीवी का रिमोट है उसकी भी डिजाइन आपको सेम देखने मिलती है। जो डिफरेंस है यहां पर वो है पैनल का। कोडैक टीवी में आपको VA पैनल मिलता है और थॉमसन टीवी में आपको IPS पैनल मिलता है। इसके अलावा कोडैक और थॉमसन दोनों सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। और जैसे कि यहां पर आपने स्पेक्स को देखा, यहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छा फोकस मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, तो वहां पर फोकस नहीं दिया गया है, जैसे कि रैम एंड इंटरनल स्टोरेज और कनेक्शन स्पीड। वहीं अगर हम बात करें व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी की, तो ये एक ऑलराउंडर निकल कर आता है, क्योंकि यहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ में इंटरनल स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर एंड कनेक्शन स्पीड, ये सभी अच्छी मिल जाती है, ताकि अगर आप अपनी टीवी को लॉन्ग टर्म तक यूज करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए व्यू की जो स्मार्ट टीवी, मेरे नजर में एक ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी निकल कर आती है, क्योंकि यहां पर पिक्चर क्वालिटी के अलावा बाकी अदर चीजों पर भी फोकस किया गया है। और कोडैक की जो स्मार्ट टीवी और थॉमसन की जो टीवीज है, यहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन मिल जाएगी, साउंड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, बट अगर आप ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो, अपनी टीवीज में ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हो, गेम्स खेलना चाहते हो, बहुत सारे हैवी गेम्स प्ले करना चाहते हो, तो वो यहां पर आप नहीं कर पाओगे। अब यहां पर फाइनली सवाल यह आता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सी टीवी बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, और इसी के साथ अगर आपके पास एक HD सेटअप बॉक्स है, और आप थोड़े बहुत ऑनलाइन कंटेंट भी एंजॉय करना चाहते हो, इसके अलावा आपको गेमिंग और एक्सटर्नल ऐप्स को इंस्टॉल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको एक डिसेंट सिंपल टीवी चाहिए जिसमें आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाए, अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाए, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आप जो है कोडैक और थॉमसन टीवीज में से कोई एक चूज कर सकते हो। और मैंने भी उसके लिए क्लासिफिकेशन बता दिया है, आपके अगर रूम की साइज काफी ज्यादा बड़ी है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, तो आप IPS पैनल यानी थॉमसन की टीवी को चूज कर सकते हो, और अगर आप मोस्टली फ्रंट से टीवी को एंजॉय करते हो तो आप थोड़े कम पैसे में कोडैक की टीवी को भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आप एक ऐसी टीवी चाहते हो जहां पर आप पिक्चर और साउंड क्वालिटी के अलावा गेम्स भी प्ले कर पाओ, अच्छे खासे ऐप्स भी इंस्टॉल कर पाओ, और एक पूरी तरीके से फुल फ्लेज स्मार्ट टीवी का मजा ले पाओ, तो उस केस में मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आपको व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए। भले यहाँ पर आपको थोड़े से पैसे ज्यादा स्पेंड करने पड़ रहे हैं, बट यहाँ पर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी मिल रही है, जो कि आपको हर एंगल से अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करा रही है। और इसी के साथ अगर आपके पास SD सेटअप बॉक्स है तो भी यहां पर आप बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहां पर मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। और अगर आपको इन टीवीज को बाय करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। और आप सभी का और एक सवाल आएगा कि भाई आपने बता दिया व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी ले लो, बट ये स्टॉक में कब आएंगे? तो ये जो स्टॉक है ये इस मंथ के यानी जुलाई एंड तक स्टॉक में आ जाने वाले हैं। लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस लिंक्स के थ्रू डेली चेक कर सकते हो, और जैसे ही ये स्मार्ट टीवीज आएंगी तो मैं आपको खुद अपडेट कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।